berapa nih, Mas? Parcel deh. पानी डालो, आज में पानी डाले यू निकाल जाग दो पानी मार आगे चेती यार बस दो तीन दफा हुआ तो भांसा थोड़ी इस प्लेट में ठंडा लग रहा है दे भाई को भैया दे भाई क्लास से 70 को 70 वाले दो भाई से
कुछ भाई का पीछे ले भाई पे हेलमेट उतार रहा है बेहतरीन काम कर रहा है तो पूछो ही नहीं। कितने टाइम से हारे हैं आप? कितने टाइम से हारे हैं आप? मैं समय हमारी जिंदगी होगी ऐसे से खा रहा हूँ। अच्छा।
एक सेवन आप लाओ बैठो भाजी बैठो जो नहीं हुआ क्या भाई हमारी रिहाइश एक गली छोड़ के दूसरी गली। अच्छा, ओके। जब से आप खा रहे हैं तब क्या प्राइस थी बर्गर की? पहले तो 20 रुपए थी ना भाई, 30 रुपए भी है। हाँ, वो तो उस जमाने में, तो वही जमाने की बात थोड़ी कर रहा है यार। 5 साल से खा रहे हैं, 5 रुपए से खा रहे, 60 रुपए गए। मतलब 5 रुपए के, 5 रुपए से आप खा रहे हैं, अब 60 रुपए का मिल रहा है। काफी टाइम हो गया माशाल्लाह से आपको। जायका वही है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, इतने टाइम में आप 10 साल से खा रहे हो या 20 साल से खा रहे हो, मगर जायका वही है।
ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है कि जायके में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यही है जायके में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। अगर पैसे भी लगाएंगे तो हम देंगे, अगर वो 90 रुपए भी लगाएंगे, 100 रुपए भी देंगे ना तो हम देंगे, क्यों जायका अच्छा है। क्या बोलता भाई? बिल्कुल सही है। Hay que bajarlo de la...
440
वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान। रहमान साहब कितने टाइम से पी रहे हैं यहाँ पर? मैं जब भी मार्केट आता हूँ तो यहाँ से पी के जाता हूँ माशाल्लाह। और जायका मयार कैसा है? बहुत टेस्टी है और जो भी फल आता है मौसम के हिसाब से बनाते हैं और बहुत ही फेमस है माशाल्लाह यहाँ का। और अब ये बलूचिस्तान से मेहमान आया मेरे पास तो मैंने कहा चलो यार ये पीते हैं माशाल्लाह। ये मेहमान है ना बलूचिस्तान से आया। और दूसरों के मुकाबले में मयार कैसा लगता है आपको? माशाल्लाह बहुत जो है सस्ता भी है ना, प्राइस भी कम है इसके। तो बाकी जो बनाते हैं उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और मयार भी इतना नहीं है, इसका टाइम भी कम लगता है। तैयार है बैठ जाओ, टाइम की भी बचत है इसमें। जी जी माशाल्लाह। कितना टाइम हो गया आपके यहाँ पीते में? ये तकरीबन जो है मैं काफ़ी सालों से यहाँ आता हूँ, जैसे 2015 से मेरा यहाँ चक्कर लगता है तो मार्केट में जब भी 2015 से आप कंटिन्यूसली इनके सीजनल शूज़ आप सेल कर रहे हैं? जी जी, जो भी अंगूर का सीज़न होता है अंगूर का बनाते हैं, अनार का होता है अनार का बनाते हैं, हर चीज़ का जो है ना ये बनाते हैं। थैंक यू रहमान साहब। जी बहुत शुक्रिया। येलो कलर ऐड किया जा रहा है, ग्रीन कलर ऐड किया जा रहा है, इलायची, देसी घी ऐड करते हैं, देसी फार्मर्स देसी घी। तो अशरफी और बॉइल्ड बादाम ऐड किए।
छोटे 20 किलो लौकी क्रश हो गई है। अब इसको भिगोने के लिए इसके रखा है ताकि काली ना हो जाए। तो ये 20 किलो लौकी को वॉश कर रहे सही तरह से और दो का जो है ना वो इस बर्तन में अलग कर रहे थे। कढ़ाई में जाएगा। अच्छा तो ये 20 किलो लौकी आ चुकी है वॉश होकर सही तरह से, अब ये जाएगी डायरेक्ट कढ़ाई में। येलो कलर ऐड किया जा रहा है, ग्रीन कलर ऐड किया जा रहा है। तो इन्होंने जो कलर डाला था येलो कलर और ग्रीन कलर उसका पानी अलग करने के लिए इसको छाना गया है। इसका पानी जो है ना नीचे हो गया है और ये लौकी आ गई है ऊपर। चार किलो चीनी है। इलायची आशिफ भाई कितनी देर के लिए रखेंगे इसको, कितनी देर पकाएंगे? 20 से 25 मिनट के लिए पकेगा। 20 से 25 मिनट पकेगा। फिर इसमें घी ऐड करेंगे और फिर थोड़ा सा भुना जाएगा 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये डेली तकरीबन 60 किलो बनाते हैं लौकी का हलवा, और लेकिन इनकी खास बात ये था ये 20-20 किलो करके बनाते हैं। अभी 20 किलो बन रहा है और 20-20 किलो करके दो बार और बनेगा, क्योंकि इसके लिए डिवाइड करके बनाते ताकि प्रॉपर पक जाए, बेक हो जाए, मेकिंग हो जाए इसकी। देसी घी ऐड करते हैं। देसी खास मस्त देसी घी। तो घी डालने के बाद अभी 5 से 7 मिनट इसे भुना गया अच्छी तरीके से ताकि पानी वगैरह खुशक हो जाए। अब खुशक होने के बाद ये देख सकते हैं पानी एकदम ही खुशक हो गया है इसका। अब इसमें खोया ऐड करेंगे, अब सिर्फ खोया ऐड करना बाकी है ना। खोया ऐड करने के बाद ये हो जाएगा मुकम्मल। आप तो खोया बन के रेडी है।
ये कितना क्यों आया होगा? तो 20 किलो हलवे में जो है ना 10 किलो खोया डाला है इन्होंने। तो अशरफ ही और बॉइल्ड बादाम ऐड किए, खोए की लेयर लगाई है और इसके बाद अशरफ ही और बॉइल्ड बादाम से इसको डेकोरेट किए।
कल है 12 तारीख है। Thank you.
चम्मच हटाओ हाथ हटाओ हाथ हटाओ।